नमस्कार, विविध भारती के विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये इंडो चाइनीज केंद्र है। मेरा नाम है रणवीर बरार और आज मैं आपको समाचार सुनाऊँ सॉरी रेसिपी दिखाऊंगा जो कि है एक अमेजिंग एग फ्राइड राइस। एक ऐसा एग फ्राइड राइस जो आपने ना खाया होगा ना देखा होगा। देखा होगा भी तो आपको बनाना नहीं आता होगा, है एकदम झकास जांबाज एग फ्राइड राइस। अच्छा हो गया, जांबाज एग फ्राइड राइस। तो सारे अंडे के फैन आ जाओ, मजा आने वाला है। क्योंकि जब ये कटेगा और इसमें से सॉस निकलेगा तो अच्छे अच्छे जो है उनकी जीभ लपलप आ जाएगी एकदम। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। तो इस कहानी के जो है वो दो अध्याय हैं। पहला अध्याय है राइस और दूसरा अध्याय है एक बढ़िया सी ग्रेवी जो हम इसके साथ बनाने वाले हैं। और ये जो भी अध्याय हैं इनकी सब्जी पहले काटनी चाहिए। मैं आपको बारी बारी वही चीज बोलता हूं कि इंडियन चाइनीज खाने में कटिंग चॉपिंग का काम पहले करके खत्म हो जाना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या करना है ना, कभी भी फ्राइड राइस बनाएं तो सब्जी काटें चावल के दाने की तरह, कभी भी नूडल्स बनाएं तो सब्जी काटें लंबी लंबी नूडल्स की तरह। यही ट्रिक है बस। चाइनीज़ खाने में कट्स जो हैं वो मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर कट्स एक साइज़ के होंगे तो चीज़ एक साथ पकेगी। ये जिसने समझ लिया उसने आधी चाइनीज़ खाने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली। अब अगर कोई नूडल के अंदर बारीक बारीक चॉप की हुई सब्जी डाल रहा है तो गलती सब्जी की और नूडल की नहीं है, गलती उसकी है जिसके हाथ में छुरी थी। ठीक है, कैबेज को काटने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1/4 करें, बीच से निकालें और ऐसे दबा लें, ये वाले एंगल में लंबा लंबा काटें। देखिए कैबेज बहुत ज़रूरी है। ये इंडियन चाइनीज़ खाने में जो बंद गोभी को बड़ा स्मार्टली यूज़ किया है ना बल्क देने के लिए, खर्चा बचाओ, चावल महंगा है गोभी सस्ती है और सब्जियों में भी गोभी सबसे सस्ती है इसलिए गोभी ठोक के डाल दो। ये जो इंडियन चाइनीज़ खाने की स्मार्टनेस है ना, मतलब एक तरफ जो चॉपिंग है वो है सॉस की चॉपिंग, और जो सॉस की चॉपिंग है वो है प्याज, हरी मिर्च, धनिए की डंडी, शिमला मिर्च। राइस की चॉपिंग में है कैबेज, ग्रीन बीन्स, कैरेट, ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन और हरा प्याज दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो आप अगर सोच रहे होंगे रणवीर क्या लगा हुआ है बता तो रहा नहीं है कुछ, तो उसका मतलब जो है वो ये है, ये जिंजर, ग्रीन चिली और धनिए का जो मेल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप हर बार मेरी बात नहीं सुनते, फिर आप मेरे को मैसेज करते हैं रणवीर मज़ा नहीं आया। वो दिक्कत अगर आप नहीं पालना चाहते तो जिंजर, हरी मिर्च और धनिए में कंजूसी ना करें। सब्जियों की कटिंग आपने देख ली, मैंने छोटे से छोटा काटने की कोशिश की है। जितना राइस का साइज होता है उसके अराउंड ही अपना साइज रखना है। और बंद गोभी जो है उसको इस्तेमाल करना है बॉडी के लिए, ठीक है, गाजर को स्वीटनेस के लिए और बीन्स को बाइट के लिए। चावल पकाना है, चावल जो है यहाँ पर बासमती है, आप सेला बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। चावल को ऐसे खुले पानी में बॉयल कर लेना है, ठीक है। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइड राइस के अंदर सॉल्ट ऐसे ही जाता है। अभी हम अक्सर बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उसमें चावल डाल देते हैं, फिर हमको लगता है मसाले से नमक आ जाएगा, नहीं आएगा। पानी में इनफ नमक होना चाहिए जब भी आप बिरयानी, चावल, पुलाव, कभी भी कोई भी राइस की वैरायटी बनाएं। तो देखिए जब भी मैं इंडियन चाइनीज़ खाने की बात करता हूँ तो मैं टैंगरा या अचीपुर की बात ज़रूर करता हूँ, बिकॉज ये कहानी शुरू वहीं से हुई है। 1850 में जब चाइनीज़ मूल के निवासी पहली बार भारत आए चीनी की मिल खोलने के लिए, बिकॉज चाइनीज़ शुगर क्लैरिफिकेशन को बहुत अच्छा माना जाता था, तो टोंग अची ने अचीपुर में वो मिल खोली और बहुत सारे जो लोग आए उन्होंने टैंगड़ा में आकर इंडियन चाइनीज़ खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इंडियन चाइनीज़ खाना और एक इंडियन चाइनीज़ कल्चर डेवलप हुआ है टैंगड़ा में, जिसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। थोड़े टाइम पहले हमने आपको वहाँ की एक सोया सॉस फैक्ट्री दिखाई, आज हम आपको वहाँ का न्यू ईयर दिखाते हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर टैंगड़ा का। रेडी, चलिए। सिर्फ चाइनीज मूल के लोग ही नहीं बल्कि पूरा कोलकाता चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है टैंगरा, बो बैरिक्स और टेरिटरी बाजार में। और जहां पूरी दुनिया में चाइनीज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 15 दिन में खत्म हो जाता है, टैंगरा में ये 4-5 दिन और चलता है। और वो सेलिब्रेशन टैंगरा में इसलिए एक्सटेंड होता है क्योंकि न्यू ईयर के बाद लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो पहली बार इंडिया आए और उन्होंने उनको एक नया खूबसूरत घर दिया अचीपुर और टैंगरा में।
इन दिनों टैंगरा का माहौल ही कुछ और होता है। कहीं ड्रैगन डांसेस हो रहे होते हैं, कहीं ड्रमर्स की टोलियां चल रही होती हैं, कहीं बस लोग कॉर्नर्स में खड़े हुए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कहीं फ्लैश मॉब्स हो रहे होते हैं, फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। और जब आप काली टेंपल में नूडल्स का प्रसाद खाते हैं ना, तब समझ में आता है कि चाइनीज न्यू ईयर भी इंडियन ही तो है, क्योंकि टैंगरा में चाइना से कहीं ज्यादा इंडिया दिखता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये जो कल्चरल टूरिज्म है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर हिंदुस्तान की जगहें देखते हैं और फिर वहाँ पे फ़ोटो खींच के रख लेते हैं कि देखो मैं यहाँ भी होके आया, यहाँ भी होके आया, यहाँ भी होके आया। हिंदुस्तान के त्यौहार और हिंदुस्तान के कल्चर्स भी देखने चाहिए और वो फ़ोटोएँ खींच के रखनी चाहिए, बिकॉज वो मेमोरीज जो हैं वो ज़्यादा लंबी चलती हैं। इमारत रह जाएगी, कल्चर समय के साथ जो है बदल जाएगा। देखिए, चावल को कभी भी उबालें तो ये ध्यान रखें कि पहले चावल को रोरिंग बॉयल पे लेके आएँ। रोरिंग बॉयल मतलब एकदम खौलते पानी में उसको बाउंस करने दें, उसके बाद फिर गैस को धीमा कर दें। देखिए, थोड़ा सा तेल डालने का क्या फ़ायदा होता है, चावल जल्दी चिपकता नहीं है। कभी भी फ्राइड राइस बनाएं तो ताज़े चावल से कभी फ्राइड राइस ना बनाएं। देखिए कितने नाजुक हाथ से चला रहा हूँ। अब इस चावल को ध्यान से देख लीजिए, आपका फ्राइड राइस का चावल इतना पका होना चाहिए, इतना खिला होना चाहिए और इतना ही अच्छा होना चाहिए। अब ज़्यादा छेड़छाड़ किए बगैर इसको डालते हैं फ्रिज में 1.5 घंटे के लिए। तब तक हमारे पास 1.5 घंटे वाला चिल्ड राइस पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, बेईमानी करते हैं चौड़े में। एग फ्राइड राइस कायदे से बननी चाहिए सफ़ेद, लेकिन अगर आप सफ़ेद नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर हल्का सा सोया सॉस, सेजवान सॉस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन कायदे से सफ़ेद बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी उसके साथ में एक थोड़ी स्पाइसी ग्रेवी देना पसंद करेंगे, तो इसलिए हम एग फ्राइड राइस को सफ़ेद ही बनाएंगे। कैबेज डाल के थोड़ा जलने दें कैबेज को। सॉल्ट, हल्की सी शक्कर कैबेज को जलने में मदद करेगी, कैरमलाइज होगी ना शक्कर, टेस्ट आएगा। नाइस। बेसिकली क्या है कि बस पानी छुड़वाना है और हल्का सा कलर आना चाहिए नीचे। ग्रीन चिली थोड़ी सी डाल देते हैं, हल्का सा सिरका खटास के लिए, साइड्स में डालें, सिरका जलना चाहिए। अब इसमें अंडे दो तरह से हम डाल सकते हैं, एक अंडे हम डाल सकते हैं अलग से पका के और उसको चॉप करके इसके अंदर, तो जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं ना, वैसे ऑमलेट बनाइए, उसको चॉप करिए और इसके अंदर अंडा डाल दीजिए। दूसरा अंडा हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल के इसको चला सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम अंडा डायरेक्टली इसके अंदर डाल के इसको चला देंगे। और एक तीसरा फार्मूला भी है, वो ये, बीच में जगह बना लीजिए, अंडे डालते जाइए, मिक्स करते जाइए। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आप ऐसे डालेंगे तो अंडे का फ़ायदा क्या है, वो मॉइस्ट रहेगा। आप ऑमलेट चॉप करके डालते हैं तो ड्राई ड्राई अलग से मज़ा नहीं आता उसमें। चावल के साथ में मॉइस्ट रहना चाहिए अंडा, लेकिन चावल डालने के पहले अंडा डालना है, चावल डालने के बाद अंडा नहीं डालना, फिर तो आपको समझ नहीं आएगा क्या बन गया। मतलब अंडा भुर्जी बन गई, चावल बन गया, मतलब कुछ और ही बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसको हल्का हल्का बीच में चलाते रहें। ये देखिए, जैसे अंडा अपना जम गया ना, उसके बाद इसको कर लिया मिक्स। पहले मिक्स नहीं करना है, वरना अंडा जो है वो सब्जी को कोट कर लेगा। आपको चाहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंडा आए, थोड़ा चावल आए, थोड़ा सब्जी आए, इसलिए अंडे को पहले सेट होने दीजिए। अच्छे फ्राइड राइस में जितना सब्जी उतना ही चावल, लेकिन सब्जी मतलब पकने से पहले, अगर पकने के पहले आपके पास लगभग एक बोल सब्जी है तो उसके बाद आप उसमें एक बोल चावल ही डालेंगे, क्योंकि वो जो एक बोल सब्जी है वो पकने के बाद लगभग 2/3 बोल ही रह जाएगी। वाटर लॉस होता है ना, पानी लूज़ करती हो। केयरफुली फोल्ड करना है, चावल नहीं तोड़ना। देखिए अंडा वंडा सवार है ना खूबसूरती से ऊपर, पता लग रहा है कि हमने अंडे की बेइज्जती नहीं करी, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है अंडे को। देखिए ये है जी लाइट सोया सॉस, लाइट, हाँ काले नहीं करने चावल। अभी ये वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं कूट के। बस लाइटली लाइटली प्यार मोहब्बत से फोल्ड कर लेना। अजीनोमोटो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, तो अगर बच्चे खाएंगे फ्राइड राइस तो अजीनोमोटो मत डालिएगा। बाकी अभी स्टडीज़ चल रही हैं कि कितना अच्छा नहीं होता, बड़ों के लिए होता है या नहीं होता, मेमोरी लॉस होता है कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये तो प्रूव हो चुका है कि बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए अजीनोमोटो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए अजीनोमोटो चाइनीज़ खाने में अवॉइड करें जहाँ तक कर सकते हैं। इसको रखो साइड, हो गया फ्राइड राइस रेडी।
लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। फ्राइड राइस बगैर सॉस के क्या फायदा? तो एक बढ़िया सा सॉस और उसका एक एग पार्सल बनेगा। ये सॉस बहुत सिंपल है। इसमें हम डालेंगे सिरका, लाइट सोया सॉस, केचप, ग्रीन चिली सॉस। इसके अंदर चिकन स्टॉक या पानी, विनेगर को बैलेंस करने के लिए शुगर, दूसरी तरफ पैन गरम करके पैन में डाला ऑयल, फिर सारी सब्जी डाल दीजिए एक साथ, फिर डाल दीजिए अदरक और गार्लिक। और अब इसको इंडियन तड़का नहीं मारना है, बस हल्का सा स्वेट करना है एंड वी आर रेडी। अपने सॉस में मैं थोड़ा केचप ज़्यादा डाल रहा हूँ और साथ ही थोड़ा लाइट सोया और, ताकि सॉस की क्वांटिटी हम बढ़ा लें। बेसिकली खट्टा मीठा तीखा चटपटा लिक्विड होना चाहिए आपके पास, चाहे तो टेस्ट कर लीजिए एक बार। कॉर्नस्टार्च इसको गाढ़ा कर दिया हमने, ठीक है। नमक मिर्च हमने ऑलरेडी चेक किया है, अगर आपके लिक्विड का नमक मिर्च सही है तो आपके सॉस का नमक मिर्च सही होगा। अब ये देखिए दोनों चीज़ें रेडी हैं, ठीक है। हमारी एग फ्राइड राइस रेडी है और उसके साथ में चाइनीज़ ग्रेवी रेडी है। अब चाहें तो आप इतना ही बना सकते हैं या फिर वो कारीगरी कारस्तानी कर सकते हैं वीकेंड पे यारों दोस्तों को बुला के थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, या घरवाली के सामने या घरवाले के सामने, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आगे का हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा थोड़ा हाई फाई में है और बड़ी ट्रिक है उसमें, तो वो देखिएगा ज़रूर। नहीं तो ऐसे ही एक कटोरी में ये और एक कटोरी में ये डाल के खा सकते हैं आप। कढ़ी चावल बना दिया हमने, चाइनीज कढ़ी चावल। अगली कारस्तानी करने के लिए एक दो तीन अंडे तोड़ लें, के अंदर डालें थोड़ा सा पानी, नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा बिल्कुल धनिया, ज़्यादा नहीं, और इसको कर लें विस्क। मैं देख रहा था लाल मिर्च वगैरह डालनी है पर फिर वो फुल देसी चीज़ बन जाती, चाइनीज़ नहीं रहती। विस्क अच्छे से करें ताकि पानी और अंडे मिक्स हो जाएं, वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अंडे में थोड़ा तेल नहीं डाला ना मैंने, थोड़ा तेल भी डाल लेते हैं। उसके बाद पैन को गर्म करना है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं करना है और सब तरफ से गर्म करना है, ऐसा बीच में नहीं छोड़ देना है कि बीच में गर्म हो जाए। अंडे में भी तेल है, पैन में भी आपने तेल डाल दिया। अब एक पतला सा अंडे का बैटर बनाना है। कोशिश ये करें कि बीच से थोड़ा मोटा हो, साइड से पतला हो, क्योंकि इसके अंदर पानी है तो इसको थोड़ा सुखा लीजिए। पानी हमने डाला अंडे को पतला करने के लिए। एतबार आपके, अच्छा ऐसा नहीं है कि रणवीर ने इतना पतला बनाया तो हम इतना पतला ही बनाएंगे वरना फिर हम खेलेंगे ही नहीं, वो भी नहीं है। आपको मोटा बनाना है आप मोटा बना लीजिए। अंडा पक गया, चाहे तो हल्का सा टेढ़ा कर लें उसको, ध्यान से करें, पता लगा अंडा ही गैस के ऊपर गिर गया और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है ना। ये लिया, ये आपका पतला सा ऑमलेट रेडी हो गया। हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि हैंडलेबल हो जाइए। देखिए पीछे से आवाज़ आई है कि जो खाना बनाना जानता है वही बना सकता है, तो अगर आप पहली पहली बार बना रहे हैं तो मत करना फिर ट्राई भाई, अगर ऐसे ही सीन है तो ईगो पे मत ले लो आप। मैं घरवाली बोल रही हूँ, जो खाना बनाना जानता है वही बना सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मोटा ऑमलेट बना लीजिए, उसके अंदर अपना चावल भर लीजिए, परेशान मत होइए बस, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि खाना बनते रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके इसको हम डाल देंगे कटोरे में, बड़े ही ध्यान से ऐसे। पहले वाले के अंदर भरना है चावल, भर के उसको कर लीजिए प्रेस, ऐसे ही प्रेस प्रेस करके इम्प्रेस हो जाएंगे सब। अब ये बताइए कोई कह सकता है कि इसके अंदर फ्राइड राइस है? नहीं कह सकता ना। अभी एक कारीगरी और कर रहा हूँ मैं, ये वाली अगर आप कर लेंगे तो 26 जनवरी को हाथी पे बैठेंगे। ये कारीगरी स्पेशल है, कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। दूसरा अंडा भी रेडी है। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला ट्रिकी है, इसके लिए चाहिए थोड़ी मस्त कारीगरी। पोटली बनानी है सॉस की। ये गया सॉस, इसको सब तरफ से बड़े ध्यान से बंद कर दिया। अब रेडी हैं आप लोग सब, कैमरा वैमरा लगा लीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपके सामने टीवी पे पहली बार रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर। ये सॉस की पोटली को बड़े ध्यान से उठा के चावल के ऊपर, अब किसी को उम्मीद नहीं होगी कि आपने ऐसी कुछ कारीगरी करी है। आप टेबल पे गए और आपने ऐसे करके और पूरा सॉस चावल पे खोल दिया। अंडे का अंडा, सॉस का सॉस, फ्राइड राइस का फ्राइड राइस। देखिए ये है मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सॉस को अंडे में बैठाना है। उसके बाद ये है उससे थोड़ा कम डिफिकल्ट, बिकॉज चावल को अंडे में बैठाना आसान है,
राइट, तो उसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। सेम फॉर्मूला, टेबल पे ले जाइए दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए, ऐसे करके बीच से काटिए, सब लोग बोलेंगे अरे वाह इसके अंदर चावल है, बढ़िया सा सॉस चावल पे डाल दीजिए, गार्निश कीजिए और मुस्कुराइए। और ये है जी लास्ट और सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन, जिसको झंझट नहीं करना, अंडे के ऊपर थोड़ा सॉस डालो और सॉस के ऊपर थोड़ा चावल डालो।